जी आपका नाम? रियाज अहमद शाह। बस सराई सफा कदम। सफा जी, हमें बताइए जो ये आपका मकान गिरा हुआ है, जो इसमें क्रैक्स हो रहे हैं, तो ये कब हुआ और किन हालात में हुआ है? ये पिछले 2-3 दिनों में सब कुछ हुआ था। एक्चुअली ये दरिया जो है ना, ये नाला बहता है, वहाँ में ये कोई मशीन आई, उसने इसमें खुदाई शुरू की। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम आपको मुआवजा वावजा सब देंगे, आप हमें काम कर दें। फिर भी उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया। उस मशीन के घूमने से ही इन मकानों में सबको दरारें इतनी, जो आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ है यहाँ पे, और हमारे बाथरूम में सब मकान तबाह हुए, 4 मकान मुकम्मल तौर तबाह हुए और बर्बाद हुए। हमें कोई रहने का सहारा ही नहीं है। जो जो अभी जो हालात है, ये रहने के काबिल नहीं है, खुद भी देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो उसका प्रवक्ता, उनके तरफ से कोई आया? नहीं नहीं, हम गए थे 2-3 जगह पे, उन्होंने हमें लगभग धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाला और कहा कि आप हमारे पास ये लेकर बताओ। आम किन के पास गए थे? हम गए थे चीफ इंजीनियर के पास, और वो राजबाग में भी एक वो इनका दफ्तर है, वहाँ भी हमें उसका नाम मालूम नहीं है। वो क्या कह रहे हैं ऑफिशियल्स जो थे, जो उनके पास आप गए थे, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं हमें इससे कुछ नहीं है, हमको ये खुदाई करनी है। सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार कह रही थी हम लोगों के लिए है, सरकार ने इस पे कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं दिए। ये सब बातें ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, देखना चाहते हैं कब कोई मरेगा, तो इनको उससे कोई वास्ता नहीं है। أسۍ حظ گٔے تمامن ڈی سی سی گٔے یہِ چیٖفس سۭتۍ گٔے، تتہِ ترٛٲے اسہِ درخاست، یتھ مےٚ کوٚر گورا یِما کٲنٛسہِ، دوٚپمس چھُس گٔے یہِ ہسا مِشیٖن یتھ ٲسۍ کران خۄدا، أسۍ چھِنہٕ تتھ خٕلاف کینٛہہ، مگر تِتھٕے پٲٹھۍ کٔرِو یہِ جٲیِز گژھِ، مکان سٲنۍ مہٕ ژھٕنِو وٲلِتھ۔ مگر مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ اکھ چیٖز، وٕنکیٚنس چھُنہٕ روزُن لایق، یُس بہٕ پانہٕ وٕچھان وٕنکیٚس روزُن لایق چھُنہٕ ییٚتہِ حظ کِہیٖنۍ، گورمینٹ طرفہٕ آو نہٕ کٕہٕنۍ، مگر وٕنکیٚنس تُہۍ کتہِ کیاہ چھُ روزان؟ أسۍ حظ چھِ بیٚکِس جایہِ ژھٕنمٕتۍ، اسہِ حظ چھُ سورُے ڈیرٕ ڈگے تُلمُت، أسۍ چھِ وۄنۍ پَنُن پان بَچاوان، أسۍ چھِ دَپان وۄنۍ گوٚژھ نہٕ أسۍ خۄدا دِنا کینٛہہ ڈیمیج اِنسان مَرٕنۍ، تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ وۄنۍ أپیٖل کَران یِمَن، اَسہِ کٔرۍتو اَمیُک چارٕ وَتھ۔ श्रीनगर में लगातार बारिश और ड्रजिंग की वजह से सुंदरकुल में कई रहायशी मकानों में दरारें और कई मकान जमीन की चपेट में, और कल वही सीएन न्यूज की टीम पहुंची इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के दफ्तर में और वही एक्सन के साथ बात करते हुए कहा। जब हमने इस सिलसिले में इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के एक्सन से बात की, तो उनके तासरत कुछ इस तरह से। सर, सुंदरकुल का जो मामला था, तो हमारी नोट्स में आ गया आज रात 12 बजे के करीब उनके जो मकान थे वो धस गए हैं। जब स्पॉट पे गया कि वहाँ पर, उन्होंने कहा कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर हमारे पास नहीं आया, तो उसकी रिगार्डिंग हमें बताइए। हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा। असल में जो 2014 में सैलाब आ गया, उससे पूरा जहलिम और पूरे सिरजी चैनल में जो बहुत सारा पानी आ गया, वो हमारी कैरिंग कैपेसिटी या दरिया जहलिम या सिरजी चैनल के अलावा आया। उससे आपको पता ही है बहुत सारा डैमेज हो गया, बहुत से मकान गिर गए, इसमें आधे बंड भी हमारे बह गए। अब जो सिटी चैनल हैं
उनका काम है सिटी को बचाना है, इसीलिए पहले से बनाए गए थोड़ा सा डिस्चार्ज इनसे पास हो ताकि मेन सिटी बच जाए। इसमें भी हमारी बहुत सारी डैमेज हो गई, जिसके लिए हमने असल में एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है रेस्टोरेशन के लिए। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लोगों की भी डिफिकल्टी है, उन्होंने जो तैमीरत अपने बनाई है, अब हमने इसमें पहले ही अच्छे अच्छे रिटेनिंग वाल बनाए थे, जिससे हमारी जो एम्बेकमेंट्स हैं ना वो स्ट्रेंथन हो गए थे। अब जो लोगों का काम है, उन्होंने कुछ जगहों पे अपने मकानात उसी रिटेनिंग वॉल पे लाए हैं। असल में वो जो रिटेनिंग वॉल हमने रखा था, वो हमने रखा था अपने एम्बेकमेंट को बचाने के लिए, उतना उसका डिज़ाइन था। अब जब उस पर एक और मकान बैठा, उसकी वो ताकत थोड़ी नहीं रही, इसका मतलब उसने अपने से ज़्यादा लोड लिया, जिसके लिए बनाया गया था उसने उससे ज़्यादा लोड लिया। तो नेचुरली तो जब किसी पे लोड आएगा, ऊपर से पानी भी आ गया, तो नेचुरली थोड़ा सा खिसकेगा ही, वही प्रॉब्लम है वहाँ पर। अब जो गवर्नमेंट ने इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सा अच्छा किया, डीसी ऑफिस वालों ने उसमें बहुत सारे लोगों को कंपनसेशन भी दिया है। अब जो भी हमारे प्रोजेक्ट में फैसिलिटेट करने के लिए कुछ होगा, पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है, हमें अपने वहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल्स है, रिटेंशंस है, टो स्ट्रंग टो है, उनको स्ट्रंग करना है और अच्छी तरह उनको प्रोडक्ट पर। सवाल तो यहाँ पर ये, यह जो आप रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, मगर लोगों को इससे नुकसान हुआ है। असल में टेक्निकली जो पानी आ गया, उससे आधे जगहों पे उसने अपने खतरा पहले ही दिखाए, मकान गिरा दिए। दूसरी जगहों पर ऐसी सिचुएशन है जो फिर आफ्टरवर्ड्स वो इफ़ेक्ट निकलता है। यहाँ तो ऐसी ही बात है, यहाँ पे इफ़ेक्ट तो जारी रहेगा, क्योंकि लोड पहले से मैंने बोला जो ऊपर जो लोड एडिशनल आया उसने ख़राबी की। फिर भी हम जो लोग इन बंडों पे रहते हैं, इनको बचाने के लिए, ये जो हमारे भाई है, इनको बचाने के लिए हम इसका पूरा रेस्टोरेशन प्रोग्राम हाथ में ले रहे हैं। उसमें थोड़ा सा जो भी रिलीफ होगा उनके लिए, पहले हमें इनको बचाना है बाय प्रोवाइडिंग गुड रेस्टोरेशन टू द कॉल एज वेल एज टू द रिटेंशंस विच कीप द सेफ्टी ऑफ द कॉल एज वेल एज देम। इन एडिशन टू दैट, जो भी हमारे पास उनके लिए जो रिलीफ होगा, अगर डजिंग से हो गया है, फॉर दैट इंजीनियर्स विल चेक, दे हैव ऑलरेडी गॉन टू द साइट, हम उसके लिए भी हायर अथॉरिटी को पूरी तरह से बता देंगे। मगर सर यहाँ पर ये बात है, जिनके पास कुछ नहीं वो कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि वो सेव मकान तो है नहीं, वो डैमेज्ड है, खुद भी गया वहाँ पर, तो हालात नहीं है रहने के लिए, वो रिहायशी मकान हम नहीं कह सकते। देखिए जी, मैंने कहा आपको फ्लड कंट्रोल के बारे में, वील टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस। अब जो उनकी रिहैबिलिटेशन करने की फॉर द टाइम बीइंग की बात है, हमारे इस जो बात पे, इस आपके टीवी पे कहने की बात है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी पूछी हो गई, डील टेक केयर ऑफ देयर ओन व्हाट दे हैव टू डिसाइड एट देयर लेवल। अभी जो रेस्टोरेशन यार, इनको सेफ जगह पर ले जाने के लिए आपका डिपार्टमेंट तो कुछ नहीं कर रहा। वैसे इंसान मैं उनको ये कहूँगा, मैं भी कश्मीरी हूँ, मैं फतेहगढ़ दल का रहने वाला हूँ, वो मेरे मकान में आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ करना है। उनका कहना है कि जब हम आपके डिपार्टमेंट आएंगे, उन्होंने हमें लात मार कर हमने बाहर फेंक दिया, कोई बात हमारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बात नहीं है जी, इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा पैसा हमें आ रहा है, इट्स अ बिग प्रोजेक्ट, उसमें सब के लिए पहले काम करने के लिए पैसा है, फिर मे बी फॉर रिलीफ आल्सो वी मे असिस्ट दिस पीपल, बट इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट बाय द टाइम दे हैव टू बी पेशेंट। आना अभी जो सूरत है तो वो बहुत गंभीर है सर, हम फिर भी अपने हायर अथॉरिटी से बात करके उनके लिए पूरी कोशिश करेंगे जो हमारे लिए मुमकिन हो। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये मसला जल्द से जल्द हल हो जाएगा। और वही एक्शन सिनर डिजन के सीएन न्यूज़ की टीम को बुलाया और मौके वारदात पे पहुंचा और लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि इनको फौरी तो रिहैबिलिटेट और कंपनसेट दिया जाएगा।
इस वक्त हम बांगी स्पाइन में हैं, तो यहाँ पर चार जो मकान है उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कल इंटरव्यू में बताया, जो भी कुछ तबाही यहाँ हुई है वो उसका बेसिक वजह है 214 अक्टूबर फ्लड की वजह है। वो अब उस एक साल से यहाँ पे इतनी एग्रीवेट हो गई है कि अब यहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल है उनको वो थोड़ा सा गिरने की शेप में है। उस गिरने की शेप की वजह से पीछे जो मकान है उनको खतरा लाहक हो गया है, उनके क्रैक्स हो गए हैं। हमने आज मौके पे जायज़ा लिया, डिटेल सब उठाई, हम इस पे ऊपर अफसरान साहब से बात करेंगे, इनसे अच्छी तरह पूरी कोशिश करेंगे, इमदाद जो होगा हमारे पास प्रोजेक्ट के हिसाब से हम पूरी कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हमें रेस्टोरेशन काम यहाँ पे इमीडिएट स्टार्ट करना है, जिस तरह की ये तबाही से हद से आगे न बढ़े, और रिलीफ दे जो इफेक्ट हुए लोग उनको रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। अलबत्ता मैं इतना इनसे कहता हूँ, इनको डीसी साहब के पास भी जाना चाहिए, डीसी साहब हमारे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उनसे भी इस बारे में बात करनी है। अलबत्ता जो कुछ भी फ्लड कंट्रोल को करना होगा उसके लिए हम पूरा तावन देंगे। हम अब भी कल रिपोर्ट हम अपना देंगे, डिटेल रिपोर्ट चीफ साहब के पास को भी दौरे पर लाएंगे। इंशाल्लाह हमारा काम यहाँ पे जो भी कुछ फ्लड कंट्रोल को करना होगा रिटेंशन बारे में हम पूरी कोशिश करें, हम वो करेंगे। मैंने देखा यहाँ पे इनमें क्रैक्स है, वो रहने के लायक नहीं है। मैं इनको ये मशवरा देता हूँ, ये जो चार मकान हमने यहाँ देखे इसमें किसी को भी नहीं रहना चाहिए। मैं ये बात इनके साफ कहना चाहता हूँ, टू सेव देयर लाइफ दे हैव टू कम आउट ऑफ देयर सेल। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनको रिहैबिलिटेशन कोई ऐसा मकान मिल सकता है जहाँ पे इस वक्त ये रह सकते हैं? दैट इज ओनली अप टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। वी आर फ्लड वेयर फ्रॉम द फ्लड्स, वी विल रेस्टोर वट एवर वे फ्रॉम द फ्लड साइड। एज फार एज द रिहैबिलिटेशन पार्ट इज कंसर्न, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। दे विल सॉल्व इट डेफिनेटली, दे ऑल्सो माइट बी लिसनिंग टू इट, सो दे विल सॉल्व इट अकॉर्डिंगली, व्हाई नॉट। कैमरामैन आदिल बशीर और मंजर सोफी के साथ शाकिर कुछे, सीएन न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।